हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आपकी फैमिलीज में सब लोग बहुत अच्छे से हैं एंड यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। सो आज का वीडियो एक्चुअली एक वीडियो ना होके एक मैसेज है। ये मैसेज उन सब डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के लिए है जो माइथोलॉजिकल मूवीज बनाते हैं, माइथोलॉजिकल सीरियल्स बनाते हैं या किसी रिलीजन बेस्ड सीरियल्स बनाते हैं। तो माय डियर प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड हूसोएवर आर कंसर्न्ड विद दिस थिंग, स्टोरी राइटर, कंटेंट राइटर, जो भी बोलिए, आप वैसे तो माइथोलॉजिकल मूवीज मत ही बनाओ। बिकॉज जब भी आप यू नो स्पिरिचुअल चीज़ें बनाते हैं, माइथोलॉजिकल चीज़ें बनाते हैं, आप पैसा आड़े रख के बनाते हो। पर कुछ चीज़ें होती हैं जिससे लोगों की सेंटिमेंट्स जुड़ी होती है, उनके फीलिंग्स जुड़े होते हैं, उनकी श्रद्धा जुड़ी होती है, राइट? आप उस चीज़ का कबाड़ कर देते हो। कमिंग टू द लेटेस्ट यू नो मूवी, दैट इज आदि पुरुष, क्या बनाया है उसमें, रावण को क्या प्रेजेंट करा है। पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, रावण वॉज अ उच्च कोटि ब्राह्मण, ठीक है? सब ग्रहों को अपने पैरों में लेके चलते थे वो। रावण वॉज अ क्लीन शेव्ड पर्सन, लंबे बाल थे उनके, ही यूज टू वियर मुकुट। पर कहाँ है वो सब चीज़ें, क्या दिखा रखा है आप लोगों ने? जब श्री राम भगवान वनवास के लिए गए थे उनकी उम्र 40 साल नहीं थी। जब सीता मैया श्री राम भगवान के साथ गई थी वनवास के लिए, शी वॉज जस्ट बियरिंग, उन्होंने एक साड़ी पहनी थी, सूती साड़ी, कोई मोतियों की माला एंड ये सब स्टफ नहीं पहना था। अगर आपको ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है ना, तो पहले उन चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, ठीक है? कभी आप लिख देते हैं कि हनुमान जी जो थे वो बहरे थे, एंड डायलॉग्स आप इतने गंदे लिखते हो। गाइस, मूवीज़ नो डाउट एंटरटेनमेंट के लिए ही बनती है, मूवीज़ का मेन पर्पस एंटरटेनमेंट ही होता है, बट रिलीजन और माइथोलॉजी के नाम पे एंटरटेनमेंट इज अनटॉलरेबल, ठीक है ना? हम सोचते हैं कि हमारे किड्स, हमारी अगली जनरेशन जो आए, वो अपने रिलीजन को समझे, अपने गुरुज को समझे, अपने लॉर्ड्स को समझे। पर आप लोग जब ऐसे दिखाओगे, वॉज हनुमान अ फंकी मैन? हनुमान क्या थे? वॉज रावण अ फंकी मैन? रावण वॉज अ ज्ञाता ऑफ, ही हैड अ नॉलेज ऑफ ऑल द फोर वेदास, ठीक है ना? तो उन चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट करो यार। यू पीपल आर शोइंग अ मूवी, ठीक है? एक किताब को वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी ने कितनी चीज़ें करने के बाद ये किताबें लिखी थी, और आप उनको 3 घंटे में दिखा रहे हो प्रिसाइज करके, उसके बाद मजाक बना रहे हो। हु हैड गिवन यू दिस राइट? आई वुड रिक्वेस्ट सेंसर बोर्ड जो इन मूवीज़ को पास करता है, अगर वहाँ तक मेरा ये वीडियो पहुँच पाएगा तो आई विल बी वेरी लक्की, कि आप प्लीज़ उन चीज़ों को पास करिए जो एक रिलीजन को प्रमोट करें। बट एक रिलीजन का मजाक अगर बन रहा है तो प्लीज़ उन चीज़ों को प्रमोट मत कीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि पैसा है, करोड़ों वो लग जाएगा ये वो। लंका थी सोने की, अंधेरी गलियों में लंका नहीं थी, ठीक है ना? चमगादड़ नहीं नाचते थे भगवान श्री राम के ऊपर, भगवान श्री राम के ऊपर सारे के सारे यू नो फूल बरसते थे, या पशु पक्षी, जो सुंदर सुंदर पक्षी होते थे जब श्री राम भगवान चलते थे, तो वो चीज़ें आती थी ना, कि ये चमगादड़, ठीक है ना? रावण के पास पुष्प वाहन था जिसमें सीता मैया का हरण करके लेके गया था वो, चमगादड़ों वाला कोई वो एयर एरियल ट्रैक जो आपने दिखा दिया, दैट डज नॉट यू नो शो अ वेरी गुड थिंग। तो जो भी लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं कि मूवी बहुत अच्छी है एंटरटेनमेंट पर्पज से, ठीक है, फाइन, एंटरटेनमेंट अलग जगह है, किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स या फिर हमारी रिलीजन वो अलग जगह है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दीज मूवीज, गाइस, पीके बनी हिंदू रिलीजन पे बना दी, देन दैट ओ माई गॉड बनी हिंदू रिलीजन पे बना दी, अभी आदि पुरुष बनी फिर हिंदू रिलीजन पे बना दी, अब किसी और गॉड को पकड़ेंगे वो बनाएंगे, फिर कोई देवी माता आती है हिंदू रिलीजन की, उनको लेके कुछ कॉन्ट्रोवर्सी, शी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, ये वो एंड ऑल। हु हैज गिवन यू दिस राइट कि आप देवी देवताओं का मजाक उड़ाओ? गाइस, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस नॉनसेंस, बिकॉज आपकी मूवीज के थ्रू एक मैसेज जाता है। यंग जनरेशन या जो आज के बच्चे हैं वो पोर्ट्रे करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है? आदि पुरुष जैसी मूवीज बनानी है ना, तो श्री रामचरितमानस, जो राम सागर, रामा सागर की है, उन चीज़ों को देख के आइए, फिर वो चीज़ें पोर्ट्रे करिए। एंटरटेनमेंट के लिए मूवी बना दीजिए, तेरे बाप का ये सब डायलॉग बना दिए, तू तड़ाक वाली भाषा है, अरे भैया अच्छे से पढ़ तो लो उन चीज़ों को। सो स्टॉप मेकिंग मूवीज ऑन रिलीजन इफ यू कैन नॉट गो फॉर यू नो डेप्थ स्टडी ऑफ दोज थिंग्स। अगर बनानी है तो कुछ उन लोगों के साथ बैठिए, कुछ स्कॉलर्स के साथ बैठिए, कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठिए, कुछ कथाकारों के साथ बैठिए जो आपको सब अच्छे से बता देंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी गुड डे।